कौन पढ़ देता है? हरे कृष्ण। श्रीवास ठाकुर की तो पांच तत्व दिखे एकटा को विशेष मानुष अच्छे अमर श्रीवास पंडित हरिब। ये पांच तत्व जगत ऐसे छेन गोलोकेर प्रेमधम निये तो आज श्रीवास पंडित का आविर्भाव तिथि। आज के दिन वो प्रकट हुए। वो नारद मुनि के क्या हैं? अवतार हैं। किसके अवतार हैं? तो वो हमें शुद्ध भक्ति सिखा रहे हैं। इस जगत में लोग भक्ति करते हैं लेकिन भगवान की भक्ति करते हैं लेकिन भगवान से कुछ चाहते हैं। क्या चाहते हैं भगवान से? हरे कृष्णा बोलते हैं लेकिन किस लिए बोलते हैं? कि उनको फायदा हो। प्रायः लोग हरे कृष्णा किस लिए बोलते हैं? तो कि मुझको, ये कोई खराब नहीं है, ये कोई खराब नहीं है लेकिन शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति मतलब हम भक्ति करते हैं किसकी खुशी के लिए? भगवान की। जैसे कोई नौकर है तो काम करता है अपनी खुशी के लिए, तो खराब है क्या? ठीक है, एटलीस्ट काम तो करता है, घर साफ करता है, लेकिन वो अगर मालिक की सुख के लिए काम करना चाहिए कि अपने सुख के लिए? किसमें ज्यादा फायदा होगा उसको? मालिक को खुश करेगा तो अपने आप मालिक ज्यादा तनख्वाह देगा, सब कुछ देगा। वैसे ही जब हम शुद्ध भक्ति करते हैं तो फिर भगवान से कुछ मांगते नहीं, बस भगवान हम आपको खुश करना चाहते हैं। लेकिन प्रायः लोग भक्ति में आते हैं यह सोचकर कि भगवान मुझे कैसे खुश करेंगे। मैं हरे कृष्णा करूंगा तो मेरा अच्छा जॉब लग जाएगा, मेरा अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, तो इसमें कोई दिक्कत है? प्रॉब्लम है कि शुद्ध भक्ति नहीं करने से, शुद्ध भक्ति करने से भगवान क्या करते हैं? शीघ्र ही अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। तो जब हम शुद्ध भक्ति करते हैं तो उसके छह लक्षण होते हैं। कितने लक्षण होते हैं? कितने लक्षण होते हैं? कौन कौन से छह लक्षण होते हैं बताइए? छह लक्षण बताया ना अभी हमने, क्या छह लक्षण बताया बोलिए? पहला बोलो शांतनु, क्या छह लक्षण बताया मैंने? सुने कि नहीं सुने आप? क्या बताया ऋषभ में? अरे मैं बताया नहीं तो कैसे सुनेंगे? बोला जी पूजी आप तो बताया नहीं। ये लोग सोच रहे क्या बताया? अरे बताया नहीं तो कैसे बताएंगे आप? जो ध्यान से सुने बोले पूजी आप तो बताया नहीं कुछ, आप तो बोल रहे छह लक्षण बताएंगे लेकिन क्या बताए? ये सोचने लगा क्या बताए थे? इसीलिए ध्यान से सुनना चाहिए कथा। क्या सुनना चाहिए? मैं बताया नहीं तो कैसे बताएंगे आप? बताया क्या मैं? तो इसलिए ध्यान दे, तो कोई भी आपको मूर्ख बना देगा। समझ रहे हैं? हम तो तुमको 100 रुपया दिया था। और बोले हाँ दिया था भाई। समझ रहे? तो दुनिया में ध्यान से कथा सुनना, तो कोई भी बोले हम तो आपको बोला था। अब बोले हाँ हाँ बोला ही होगा। अपने आप पे भी कॉन्फिडेंस होना। हम बोले नहीं तो आपको बोलना चाहिए पूजी आप कब बोले, हम तो सुने नहीं। लेकिन बहुत बार हम लोग को कोई भी कुछ भी बोलेगा, हम बोलेगा हाँ बोला होगा, क्योंकि हम तो ध्यान से सुनते नहीं। इसीलिए हम तो बोले ही नहीं अभी। तो पहला लक्षण क्या है उसको बोलते हैं क्लेशाग्नि। क्या लक्षण है? क्लेशाग्नि, कि आपके जीवन से जितने भी क्लेश हैं वो सब भगवान हटा देते हैं। क्योंकि शुद्ध भक्ति करते हैं तो अविद्या खत्म हो जाती है। अविद्या क्या है? कि हम अपने आप को जानते नहीं है। हम किसके अंश हैं? भगवान कृष्ण के अंश हैं। हमें किसकी सेवा करनी चाहिए? भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। तो यह चीज को नहीं जानने को बोलते अविद्या। इसको नहीं जानने को बोलते हैं अविद्या। और अविद्या के कारण अगर कोई बच्चा मालिक कोई कंपनी में काम करता है, मालिक मैं IBM कंपनी में काम करता था, अगर मैं कंपनी में जाऊं, मैं जानता नहीं हूं कि मैं कंपनी में काम करता हूं,
और मैं कंपनी के मालिक का काम ना करूं और मैं जाके कुछ और करूं वहां पर, वीडियो गेम खेलूं दिन भर, क्या करूं वहां पर? मान लीजिए कॉफी का, हम लोग का ऑफिस के हर रूम के बाहर क्या रहेगा, पानी का एक रूम है, पानी मिलेगा उसके अंदर, गर्म पानी, ठंडा पानी, कॉफी, चाय, बटन दबाएगा सब आएगा, बिस्कुट भी कभी कभी आएगा। हम बोले बहुत अच्छा है यहाँ तो चाय मिलता है फ्री में, और मैं चाय खाऊं। अभी मेरा हिंदी स्पीच है कि बंगला स्पीच है जानते नहीं हम, समझ रहे, चाय खाऊं हिंदी में चाय पियो, तो बंगला में उसका हाइब्रिड हो गया, चाय खाऊं, समझ रहे। तो अब आप बताइए, मैं IBM कंपनी का काम ना करूं और जाके केवल क्या करूं वहां पर, जो रिफ्रेशमेंट रूम है उसमें जाके मैं क्या करूं, फ्री में चाय पीऊं, कॉफी पीऊं, तो मैं सुखी रहूंगा? थोड़ी देर बाद मेरे को निकाल देगा या मेरे को पैसा बंद करेगा, कुछ तो करेगा, है कि नहीं? वैसे ही इस दुनिया में जो हम भक्ति करते हैं लेकिन सही से तत्व को नहीं जानते कि हम कृष्ण के दास हैं, तो जीवन में कुछ ना कुछ समस्या आती रहती है। इसलिए क्या बोला गया है, जीव कृष्ण दास ए विश्वास को ले तो आए दुखो नहीं। तो इसलिए हमें जब भगवान को केंद्र बना के उनकी सेवा करते कि भगवान मुझे अपनी सेवा में लगा लीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, तो नारद मुनि के जीवन से हमें शुद्ध भक्ति की शिक्षा मिलती है। और वही नारद मुनि श्रीवास पंडित के रूप में आए, किसके रूप में आए? तो एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु उनके घर में कीर्तन कर रहे थे, समझ रहे, और कीर्तन करते करते चैतन्य महाप्रभु नाच रहे थे, रात का समय था, और एकाएक क्या हुआ कि घर में जोर जोर से हल्ला होने लगा। तो श्रीवास पंडित चिंतित हो गए, किस लिए हल्ला हो रहा है, कोई कीर्तन करा बगल में, तो आदमी बोले क्या हो गया भाई, देखने जाएगा। तो बाहर देखे तो देखे कि सब माताजी लोग रो रहा था, बोले क्यों रो रहे हैं आप लोग? तो देखे श्रीवास का बेटा मर गया था। कौन मर गया था? श्रीवास का कौन मर गया था? कौन मर गए थे? श्रीवास के कौन मर गए थे? आप हिंदी समझते हैं? श्रीवासेर छेले मोरे गए थे। कौन? छेले। कितने साल के? छोटे से थे, समझ रहे। तो श्रीवास के जब छोटे बेटे मर गए तो सब माताएं जी लोग क्या करने लगी, रोने लगी। कोई कोई भी परिवार में गुजर जाए, बीमार होता है तो आदमी डिस्टर्ब हो जाता है, समझ रहे, और मर जाए तो फिर तो, समझ रहे, और बूढ़ा आदमी मरे तो दुख होता है, लेकिन जवान लड़का, यंग लड़का, छोटा सा बच्चा मर जाए तो कितना दुख होगा। तो सभी लोग बहुत दुखी, जोर जोर से रो रही थी। तो श्रीवास पंडित उनको गए, और चूंकि वो महान भक्त थे, महान भक्तों का अलग दृष्टिकोण होता है, उन्होंने बोला आप लोग रो क्यों रही हो? अरे शास्त्रों में लिखा गया है कोई एक बार भी भगवान का नाम लेता है तो पवित्र हो जाता है कि नहीं? नारायण का नाम लिया था किसने, किसने नाम लिया था स्वराज? अजामिल। पता है आपको अजामिल कौन था? अजामिल ब्राह्मण था, वेरी गुड। तो अजामिल जो था, आजामिल, उसका नाम क्या था? आजा, समझ रहे, ये अजामिल। लड़का लड़की को देखा तो बोलता अजामिल, समझ रहे, वो लड़की को बोला मेरे साथ मिल ले, समझ रहे। तो फिर उसका हरी बोल हो गया अजामिल के चक्कर में, समझ रहे। तो अजामिल का फिर शुरू में तो बोला लड़की को देखे अजामिल, फिर यमदूत लोग आया बोला अजामिल, समझ रहे, तू मिलेगा, हाँ शादी के इधर उधर करेगा, तेरे को अभी मिलाते हैं। तो बड़ी हरी बोल हुई अजामिल की, लेकिन उसने किसका नाम पुकार लिया? नारायण। तो विष्णु दूत आ गए। तो श्रीवास पंडित के बेटे मर गए हैं, सब लोग रो रहे, उसमें वो क्लास दे रहे कि अरे आप रो क्यों रही हो, अगर एक बार नाम लेने से भगवान का क्या होता है, पाप जन्म जन्म खत्म हो जाते हैं, और यहाँ पर तो स्वयं भगवान नित्य कर रहे हैं, वो कीर्तन कर रहे, तो कैसे कोई अपशगुन हो सकता है? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान स्वयं क्या कर रहे हैं, नित्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। इसलिए आप लोग धीरे धीरे रोइए,
महापु का कीर्तन डिस्टर्ब नहीं, अगर महापु का कीर्तन डिस्टर्ब हुआ तो मैं क्या करूंगा, गंगा में कूद के मर जाऊं। तब सब शांत हो गई और इधर वो वापिस आके फिर से क्या करने लगे, कीर्तन में भाग, समझ रहे। तो हम देखते महान भक्त लोग कितना भगवान का खुश करने के चाहते हैं और अपने चीजों को सोचते भी। हम देखते प्रभुपाद जी अमेरिका गए, अपने शरीर में इतना कष्ट हुआ लेकिन उसकी चिंता वो, हम देखते जयपता का स्वामी गुरु महाराज, उनके शरीर में इतना कष्ट होता है उसकी वो चिंता। एक बार कलकत्ता रथ यात्रा में आ रहे थे तो डॉक्टर ने बोला आप जाएंगे तो आप मर जाएंगे। बोले कोई बात नहीं, मर जाएंगे तो मर जाएंगे, हम सेवा नहीं छोड़ेंगे, समझ रहे। तो हम देखते महान लोग किसके बारे में ज्यादा चिंता करते हैं कि भगवान को खुश करना है, समझ रहे। उनका चिंता क्या केवल से किसको खुश करना था, भगवान को खुश करना था। तो भगवान को खुश करना चाहते थे और वो सबको मना कर दिए। इधर भक्तों को बहुत दुख हो रहा है कि श्रीवास का बेटा मर गया, भाई उसका संस्कार करना चाहिए, श्रीवास किसी को रोने नहीं दे रहे। धीरे धीरे भक्तों को एक खबर मिल गई, सब लोग बहुत दुखी थे लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पाया था। तब तक श्री चैतन्य महाप्रभु बोले आज मुझे कीर्तन में भाव नहीं आ रहा है, क्या कुछ गड़बड़ हो गया है क्या। श्रीवास बोलते आपके रहते कैसे कुछ गड़बड़ हो सकता है। तब भक्त लोग रोते रोते बोले महाप्रभु श्रीवास का बेटा मर गया। महाप्रभु बोले क्या, श्रीवास का बेटा मर गया कब। बोले शाम के समय मरा था, शाम को 7:30 बजे मर गया। बोला हाँ, और अभी कितने बज रहे हैं, अभी 3 बज रहे हैं सुबह के। कितने घंटे पहले मरा, कितने घंटे पहले मरा, बोलो सर विक्रम कितने घंटे पहले मरा। 3 बज रहे रात के अभी, और 7:30 बजे मरा था रात शाम को। कितने घंटे हो गए, हाँ ठीक है नियर बाई है, 7.5 घंटा हो गया। कितना घंटा हो गया, 2:30 हो गया। कितना हो गया, चेतन भागवत में वर्णन आता कितना हो गया, 2:30। माँ बोलते 2:30 पहले वो मरा, कोई बताया नहीं मेरे को। सब भक्त लोग रो रहे हैं, महापु बोले सबने बोला इसका संस्कार अब करना चाहिए। तो महापु स्वयं उसको अपने गोदी में ले लिए और रोने लगे कि मतलब ऐसा प्रेम कौन कर सकता है कि अपना बच्चा मर गया फिर भी नहीं रो रहे, और मेरे मतलब महापुर रोने लगते कैसे मैं छोड़ूंगा इनको, कैसे मैं इन लोग को। तब सबके मन में भय आ गया कि महापुर क्या बोल रहे हैं, इनको छोड़ के मैं कहाँ कैसे जाऊंगा। सब लोग समझ गए महापुर अब घर छोड़ के संन्यास। महापू बोल रहे मैं इन लोगों कैसे, इतना प्रेम करते हैं मुझसे, अपने बच्चे से भी ज्यादा प्रेम करते हैं, मैं इनको छोड़ कैसे जाऊंगा। तब सब भक्तों को भय हो गया कि महापू क्या लेने वाले, कुछ दिनों में संन्यास लेने वाले। तब महापू उस बच्चे को लिए गोदी में और बोले बेटा तू क्यों छोड़ के जा रहा है श्रीवास पंडित को। तो बच्चा जीवित हो गया, समझ रहे, मरा हुआ बच्चा। तो बोलता देखिए महाप्रभु आप जिसका जो लिखते हैं वही, समझ जैसे आपका टिकट कटाया आपने कलकत्ता स्टेशन से लेके मान लीजिए चित्रकूट तक का, तो उसके आगे जा सकते हैं क्या। आपने अगर कलकत्ता हावड़ा स्टेशन टिकट कटाया है गया तक, तो गया तक ही जा सकते हैं, उसके आगे थोड़ा ना चढ़ सकते, वहाँ तो उतरना पड़ेगा आप। वैसे बोल रहे मेरा जहाँ तक निर्धारित समय भगवान आपने निर्धारित किया वहाँ तक मैं जा, अब मैं कहीं और दूसरा पूरी दूसरे घर में जा रहा हूँ, दूसरे शरीर में जा। तो यहाँ बता रहे हैं कि हमें भी जीवन के बाद भी जीवन है, इसलिए ये जीवन में हम जो करेंगे, कुछ लोग सोचते हैं कि आप कुछ भी करेंगे फर्क नहीं पड़ता, ये गलत धारणा है। इस जीवन के उपरांत भी क्या है, जीवन है कि नहीं है। और आप अभी गड़बड़ करेंगे तो बाद में, अभी मान लीजिए कोई बच्चा नहीं पढ़ेगा, जैसे एक बच्चा तो पहले नहीं पढ़ता था और फिर वो इंजीनियरिंग कॉलेज में आया तो उसका कंपनी में बैठने ही नहीं दिया उसको। बोले क्यों, जिसका 60% से कम मार्क्स था उसको बैठने ही नहीं देगा कंपनी, तो उसने पहले बदमाशी किया तो अभी उसको कंपनी में जॉब नहीं मिल रहा था। तो इस जन्म का फल आपको नेक्स्ट जन्म में भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कोई खूब खाएगा बाजार में नोंगड़ा जिनिस, चॉकलेट खाएगा, क्या खाएगा, तो बनेगा कॉकरोच,
क्या बनेगा? कॉकरोच को देखते हैं, चॉकलेट उकलोट में क्या मिलते हैं? कॉकरोच मिलते हैं। जो चॉकलेट बनती है ना उसका वीडियो है हमारे पास, उसमें क्या होता है दिखाते हैं कि वो सब चोको कौन खाते हैं, कॉकरोच वहां घूमते हैं। तो जो चॉकलेट खाएंगे वो क्या बनेंगे? कॉकरोच बनेंगे। क्या बनेंगे? क्या खाएंगे? कच्चा मैंगो खाएंगे। क्या खाएंगे? फिर आपको कच्चा निकाल जाएगा। समझ रहे हैं यमराज लो, यमदूत लो, समझ रहे? तो हमें भगवान के अनुकूल चीजें खानी चाहिए। चॉकलेट खाना आप दूध से बनाइए बढ़िया एकदम, समझ रहे? और डेरी मिल्क दूध दूध से नहीं बनता है, समझ? सब उसमें उल्टा पुल्टा चीज है। हमें कैसे दूध से एकदम बढ़िया एकदम घी निकाल उकाल के बढ़िया से उसके क्या बनाना चाहिए, बढ़िया मिठाई मिठाई बनाना चाहिए, समझ रहे? खाने में भी अच्छा और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा। और फिर देवता लोग मिलेंगे, घी खाएंगे तो कौन मिलेगा आपको? यम विष्णु दूत ले जाएंगे। और आप खाएंगे उल्टा पुल्टा चीज़ तो आपको कौन खाए? यमदूत ले जाएगा, समझ रहे? और उससे भी नोंगड़ा चीज खिलाएगा, समझ रहे? तो इसीलिए वैतरणी नदी पार करनी होती है तो पस उस रहता है, खाइएगा पस। क्या खाना पड़ेगा? खून पस, समझ रहे? तो इसीलिए हमें इस जीवन में बहुत सतर्कता से जीवन जीना, क्योंकि इस जीवन के बाद भी क्या है? जीवन है। तो बच्चे ने बहुत अच्छा क्लास दिया तो सब लोग एकदम बोले, भगवान मेरा अभी टिकट एंड हो गया, स्टेशन आ गया, मैं जा रहा हूँ, बाय बाय हरी बोल। और सब लोग सुन के चकित हो गए कि वाह वाह, ये बच्चा को महाप्रभु ने कितना सुंदर क्लास दिलाई। छोटा बच्चा क्लास दिया कि सब मोह माया है, समझ रहे? ज़्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए। तो सब लोग फिर चैतन्य महाप्रभु ने उसका खुद अपने हाथों से संस्कार किया, तो कहाँ गया वो? गोलोक वृंदावन जाएगा। तो इस प्रकार से महापुरुष बोलने लगे कि श्रीवास आप चिंता मत करो, आपका बेटा गया है, आपने मेरी सेवा के लिए अपने बेटे को छोड़ दिया। आज से आपके दो बेटे होंगे, एक बेटा नहीं होगा। कौन होंगे आपके दो बेटे? मैं और नित्यानंद, दोनों आपके बेटे हो जाएंगे, हरि बोल। तो जो भगवान के लिए कुछ समर्पण करता है, भगवान उसके क्या बन जाते हैं? जीवन में साथ में आ जाते हैं, समझ रहे? इसलिए हम देखते हैं श्रीवास पंडित का आज क्या है, जन्मदिन है। वो इतने बड़े भक्त है कि भगवान ने बोला कि श्रीवास मैं आपका बेटा हूँ, आपको कभी तकलीफ? अब किसी का बेटा भगवान हो तो उसको कोई तकलीफ होगी क्या? इस दुनिया में कोई मिनिस्टर का बाप होता है उसको भी कोई तकलीफ? तो भगवान जिसका मतलब बेटा हो उसको कोई तकलीफ होगी क्या? सब कुछ भगवान व्यवस्था। तो कितने लोग चाहते हैं कि आपके ही बेटे भगवान बन जाए, समझ रहे? या पिताजी बन जाए, समझ रहे? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? श्रीवास ठाकुर क्या करते थे? अच्छे जप किया करते थे। तो हमें भी क्या करना चाहिए? अभी जप करना चाहिए अच्छे से, ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए। आज एक बच्चे को देखा, मैं कल भी देखा, वो जप कर रहा है, सोच रहा कहीं और, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, समझ रहे? ठीक है, वो भी अच्छी बात है, खराब नहीं है। जप तो कर रहे हैं, बेचारे को नींद आ रही, फिर भी हरे कृष्ण हरे कृष्ण बैठ के जप कर रहा है, इधर देख रहा है उधर देख रहा है, समझ रहे? वो भी ठीक है, कोई खराब नहीं, जपने से अच्छा है आप इधर उधर देख के भी जप। लेकिन ज़्यादा अच्छा है कुछ समय ऐसा निकालना चाहिए, आधा घंटा एक घंटा दो घंटा जो भी, जब हम एक जगह बैठ जाए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जो ध्यान पूर्वक जप करता है उसकी स्वयं रक्षा कौन करते हैं? भगवान करते हैं। उसके सब चीज़ों की आवश्यकता ये पूरी कौन पूर्ति कौन करते हैं? भगवान करते हैं। तो आइए हम सब वैष्णव के चरणों में प्रणाम करते हैं। आज श्रीवास ठाकुर का जन्मदिन है।